Assalamualaikum students, you are watching MMNZ YouTube channel NMD CAT Biology 2021 का session जो है वो चल रहा है हमारे channel पे और आज जो है topic वो है viruses पे. ये हमारा second lecture होगा viruses पे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे classification of viruses. इससे पहले जो है lecture था जिसके बारे जिसमें हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, किन साइंटिस्ट ने कब कब और क्या काम किए हैं वायरसेस के ऊपर. ठीक है, तो आज जो है हम इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत किस्म के वायरसेस हैं. तो मेन की पॉइंट जो है वो आपको मैं बताऊंगी जिसको ध्यान में रखते हुए आप जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे. एक तीन तरह की इसके हमारे पास जो है इसकी क्लासिफिकेशन आती है. एक जो है वो है होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया ऐसे वायरसेस को जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर होस्ट, यानी कि जैसे कुछ बैक्टीरिया है वो उनका होस्ट बैक्टीरिया होता है जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, और जो प्लांट्स के ऊपर जिनके होस्ट प्लांट होते हैं उनको हम फाइटोवायरस कहते हैं या प्लांट वायरसेस कहते हैं. जू वायरसेस जो एनिमल वायरसेस होते हैं. उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन जो है वो शेप ऑफ वायरसेस के अकॉर्डिंग होती है. जैसे अगर टैडपोल लाइक शेप है तो उनको हम उस कैटेगरी में लाएंगे. टैडपोल लाइक वायरसेस में रोड लाइक भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल और जिस तरह की भी शेप जो है प्रेजेंट होती है वायरसेस की उसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो यूज की जाती है क्लासिफिकेशन वो जीनोम बेस्ड है. ठीक है, जीनोम बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. अब इसमें जो वायरसेस हैं बेसिक टू टाइप्स है इनकी. ठीक है, एक आरएनए और एक डीएनए. ठीक है, कुछ वायरसेस की कोर में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है. तो उसकी बेस पे जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जाती है. सबसे पहले हम देखते हैं ओके कि ये कोई भी वायरस है तो देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है इसके कोर में. डीएनए और आरएनए. ठीक है, पहले तो ये देखा जाएगा. अब फर्ज करें कि उसके अंदर डीएनए है तो फिर देखा जाएगा कि वो एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है. फिर देखा जाएगा कि इसी तरह से आरएनए अगर है तो आरएनए एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है. तो इस तरह से जो है उसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है. अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ वायरसेस के जो है नाम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों ने क्या करना है कि बुक में जितने भी मेंशन वायरसेस हैं आपने उसको इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफाई करके रख लेना है. क्योंकि इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि फर्ज करें कि एक आपसे वायरस को पूछा गया है वायरस, ठीक है, जिसके अंदर जो कि डीएनए है जिसकी कोर में वो एनवेलप्ड है, तो वो कौन सा वायरस होगा? स्मॉल पॉक्स होगा. ऐसे बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं. ये इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो एनवेलप्ड है लेकिन कौन सा है उसका जीनोम कौन सा है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि उसमें डीएनए. ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी. वायरस कंटेनिंग डीएनए, जीनोम जिसका डीएनए है और वो एनवेलप्ड है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स. टी फॉर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये नॉन एनवेलप्ड है, डीएनए कंटेनिंग है. ठीक है, और इसी तरह से एचआईवी की बात करें तो इट इज एनवेलप्ड कंटेनिंग आरएनए. एचएवी यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करें तो ये नॉन एनवेलप्ड होता है और आरएनए होता है इसके अंदर. ठीक है, तो इसकी जीनोम बेस पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है और इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज बनते हैं. आपने हर वायरस जो भी आपकी बुक में मेंशन है उसकी इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है अच्छे से मेमोराइज करनी है, लर्न करनी है, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बनते हैं. एंड इट इज एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. इट इज क्वाइट सिंपल, लेकिन इसमें बेसिक आपको की चीजें बता दी हैं कि किस तरह से आप लोगों ने एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. ठीक हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वायरसेस का ही एक और लेक्चर होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे.
अपना ख्याल रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें, और सेशन अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फिर उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।